Read this program carefully. Write a program to enter a number and print it in words. First of all, we want to discussing what is the expected inputs and expected corresponding outputs. Suppose that we are entering some number as 256. This is entered number or input value. इस गिवन इनपुट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए. आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज, मीन्स जितने भी डिजिट्स फाउंड हो रहे हैं सारे के सारे डिजिट्स स्पेल्ड फॉर्मेट में वर्ड्स के फॉर्म में डिस्प्ले कराना. फर्स्ट वन क्या है, टू. टू के अकॉर्डिंग प्रिंट क्या कराना है, सिंपली टू इन स्पेल्ड फॉर्म. नेक्स्ट वन फाइव, देन डिस्प्ले कराना है फाइव. नेक्स्ट वन सिक्स, डिस्प्ले सिक्स. दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर गिवन इनपुट वैल्यूज. नेक्स्ट वन, इस प्रोग्राम के लिए सोर्स कोड राइट करने से जस्ट पहले राइट डाउन करें इट्स वेरियस स्टेप्स फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. देन वी वांट टू डिस्कसिंग बेसिक लॉजिक्स और सोर्स कोड. इन दैट के फर्स्ट वन, सबसे पहले इसके इसमें रिक्वायर्ड क्या हुआ, एनी नंबर रिक्वायर्ड इनपुट इज समथिंग गिवन नंबर्स. सपोज दैट वी आर एंटरिंग सम नंबर 485. इसके इसमें एक्सपेक्टेड यील्ड क्या डिस्प्ले होना चाहिए, 485. फर्स्ट वन, इस केस में परफॉर्म क्या कराए, नंबर्स के सारे डिजिट्स वन बाय वन रीड करें इस करेस्पॉन्डिंग स्पेल्ड फॉर्म में डिस्प्ले कराए बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट्स. किसी भी नंबर्स के केसेस में पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगे, बिटवीन 0 to 9. इस टोटल पॉसिबल केस कितने, देयर आर 10 डिफरेंट केसेस. इन 10 डिफरेंट केसेस को मेंटेन करने के लिए यूज क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट्स इनसाइड बॉडी ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट. टोटल इस केस में 10 केस क्रिएट होंगे, 10 डिफरेंट केस में से एवरी टाइम. इस केस में जनरल फॉर्मेट क्या रहेगा, जो भी नंबर है नंबर को व्हाइल लूप के थ्रू इटरेट करेंगे. नंबर को इटरेट करने का मीनिंग क्या है, नंबर के सभी डिजिट्स को इटरेट करना. सपोज दैट अगर नंबर के अंदर 3 डिजिट्स है देन लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 3 टाइम्स. अगर 5 डिजिट्स है देन 5 टाइम्स. एवरी टाइम नंबर्स के डिजिट्स को ट्रीट करें, सबसे पहले रिट्रीट क्या कराना है इस केस में, 4. इस फर्स्ट टाइम नंबर में से एग्जैक्ट नंबर पास न करके नंबर के अकॉर्डिंग काउंट करें, मीन कब तक रिक्वायर्ड है ये पर्टिकुलर ऑपरेशन, कब तक रिक्वायर्ड है, जब तक नंबर 0 से बड़ा है. नेक्स्ट वन, इसके बाद जो भी एक्चुअल नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट रीड करेंगे, फर्स्ट डिजिट सप्लाई करेंगे इनसाइड बॉडी ऑफ स्विच और स्विच आर्गुमेंट. स्विच के केस में टोटल 10 डिफरेंट केस क्रिएट होंगे, केस 0 अप टू केस 9. अगर ये डिजिट किसी भी केस से मैच होता है उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा लेंगे करेस्पॉन्डिंग आउटपुट. लेकिन इस केस में मेन प्रॉब्लम क्या है, अपने पास डिजिट्स को रिट्रीव करने के लिए जो भी लॉजिक्स हैं उन लॉजिक्स के अकॉर्डिंग डिजिट्स को राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में रीड डाउन करना पॉसिबल. तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या रीड हुआ, 5. इसलिए सबसे पहले डिस्प्ले क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग, 5. एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या इसका, 485. लेकिन डिस्प्ले क्या होगा, 5. देन नेक्स्ट टाइम क्या रीड होगा, 8. नेक्स्ट टाइम 4. दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट. तो इसलिए मीन्स ऑपरेशंस डायरेक्टली नंबर्स के लिए अप्लाई नहीं करके सबसे पहले जो भी एक्चुअल नंबर है उस नंबर का रिवर्स नंबर कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या रहेगा, आफ्टर रीडिंग नंबर फ्रॉम अ कीबोर्ड यूजिंग स्कैन ऐप, देन नंबर्स को रीड करने के बाद नंबर के रिगार्डिंग में सबसे पहले इसका रिवर्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. इट्स रिवर्स मीन्स ऑपरेशंस ओरिजिनल नंबर्स के लिए अप्लाई नहीं करके ऑपरेशंस से अप्लाई करेंगे टू द रिवर्स ऑफ द डिजिट्स. अब इसके साथ रिवर्स कैलकुलेट करने के बाद जस्ट राइट टू लेफ्ट रीड करें, सबसे पहले क्या रीड होगा, 4. मीन्स दैट वन. इस प्ले नेक्स्ट टाइम क्या रीड हुआ, 8. नेक्स्ट टाइम क्या रीड हुआ, 5. मीन्स अगर रिवर्स के केस में बात करें तो रिवर्स के केस में वैल्यू किस फॉर्म में रीड हुआ, राइट टू लेफ्ट. लेकिन ओरिजिनल नंबर के लिए ऑपरेशंस किसके अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मीन्स एक्चुअल ऑपरेशंस किसके लिए अप्लाई करेंगे, रिवर्स के रिस्पेक्ट में. मीन्स रिवर्स के एवरी टाइम राइट टू लेफ्ट सिंगल डिजिट्स को रीड कराएंगे, सिंगल डिजिट स्विच के अंदर सप्लाई करके आउटपुट डिस्प्ले कराना पॉसिबल करेस्पॉन्डिंग मैसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, ओनली 2 वेरिएबल्स, void main. ये हैव रिक्वायर्ड 2 वेरिएबल्स, इंटीजर नंबर एंड रिवर्स. रिवर्स इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट वन 4. नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स. इनपुट्स के केस में रीड क्या कराना है, वैल्यू फॉर नंबर. देयरफॉर वी वांट टू डिस्प्ले सम मैसेज, एंटर नंबर.
नंबर रीड कराने के जस्ट बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या है, मीन्स जब तक आपके पास ऑपरेशंस किसके लिए अप्लाई करना, नंबर्स के लिए और रिवर्स के लिए, रियल में ऑपरेशन रिक्वायर्ड नंबर्स के लिए लेकिन नंबर डायरेक्टली ऑपरेशंस के लिए अप्लाई नहीं, इसलिए सबसे पहले इसका रिवर्स केस एक्सक्लूड होगा, देन ऑपरेशन रिवर्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या है, कैलकुलेटिंग रिवर्स वैल्यू, रिवर्स कैलकुलेट कराने का आसान कराने इनसाइड वेरिएबल रिवर्स, रिवर्स के केस में सिंपल बेसिक फॉर्मूला था सेम एज प्रीवियस केस, व्हाइल नंबर ग्रेटर देन जीरो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस नंबर मॉड्यूलो 10, आफ्टर दैट रिमूविंग लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 10। जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ इसके बाद जस्ट बाद रिवर्स में स्टोर क्या हो जाएगा 4584 प्लस नंबर क्या हो चुका होगा ऑलरेडी जीरो, बिकॉज कंडीशन क्या था लूप कब तक चला, जब तक नंबर का वैल्यू जीरो से बड़ा है, जैसे ही सारे डिजिट्स कंप्लीटली रिवर्स हो जाएंगे, मीन इस केस में नंबर क्या एंटर किया है, कोई अदर नंबर यूज कर दे समथिंग, सपोज दैट नंबर एंटर किया समथिंग 123 और 123, सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ, मीन्स जैसे ही लूप चलेगा फर्स्ट टाइम रीड क्या हुआ नंबर से 3 इंसर्ट किस में हो जाएगा रिवर्स में, नेक्स्ट टाइम 3 डिलीट होने के जस्ट बाद अब नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, नेक्स्ट टाइम रीड क्या हुआ 2 अपेंड हो जाएगा एंड ऑफ द रिवर्स, एक्चुअली एंटर्ड नंबर क्या था 123, डिस्प्ले क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है 1 2 3 लाइक दैट। नेक्स्ट वन 2 से डिलीट हो जाएगा, देन रिमेनिंग क्या बचा अभी भी 1 अभी भी 0 से बड़ा है, फिर से लूप चलेगा अपेंड क्या हो जाएगा 1, नेक्स्ट टाइम फिर से 10 से डिवाइड हुआ तो उसकी फाइनली नंबर की फाइनल वैल्यू क्या हुई 0, 0 के केस में कंडीशन फॉल्स मीन्स फाइनली नंबर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है या अवेलेबल नहीं, आपके पास नंबर रिवर्स ऑर्डर में अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स वेरिएबल, इसलिए ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई करें रिवर्स के लिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट वन ऑपरेशन कब तक परफॉर्म कराना, जब तक रिवर्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है, व्हाइल रिवर्स और रिवर्स ग्रेटर देन जीरो और रिवर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, जैसे रिवर्स का वैल्यू जीरो होगा कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाए, सिमिलरली इस केस में भी कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिंपली अगर नंबर भी सप्लाई करो सफिशियंट, क्या जैसे ही नंबर का वैल्यू जीरो होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद यूज क्या करेंगे स्विच केस, स्विच के अंदर एवरी टाइम सप्लाई क्या होगा इसके अंदर, स्विच के अंदर लास्ट डिजिट ऑफ द रिवर्स वैल्यू, तो रिवर्स का या किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट रीड करना तो यूज क्या करेंगे रिवर्स मॉड्यूलो बाई 10, फर्स्ट टाइम अभी करेस्पॉन्डिंग इनपुट के अकॉर्डिंग सप्लाई किया हुआ लास्ट डिजिट क्या 1, इसलिए पास किया हुआ इसके अंदर 1, देन यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केस, टोटल कितने केस मैनेज करने की जरूरत है, देयर आर 10 केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल केस 0, अगर केस 0 सेटिस्फाई हो रहा है देन इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या कराना है, सिंपली डिस्प्ले प्रिंट टैब, डिस्प्ले मैसेज प्रिंट टैब, मीन्स अगर एक केस सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब एंटर डिजिट क्या है 0, इसलिए डिस्प्ले क्या कराएंगे 0 और वी कैन से स्पेस देन 0 लाइक दैट क्लोज, आफ्टर दैट अप्लाइंग ब्रेक स्टेटमेंट, केस को टर्मिनेट करने के लिए यूज क्या करेंगे ब्रेक। नेक्स्ट वन अगर फर्स्ट केस मैच नहीं हो रहा है सेकेंड कैसे अप्लाई कराएंगे 4, केस वन के केस में क्या डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट टैब, अगर ये डिजिट जो भी आरविंद एक्सप्रेशन पास किया इसका रिजल्ट अगर किसी भी केस से मैच होता है देन करेस्पॉन्डिंग प्रिंट टैब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इस केस में एग्जीक्यूट क्या कराना है एज अ 1, अगेन ब्रेक स्टेटमेंट, देन केस टू रिमेनिंग केसेस, रिमेनिंग केस में सप्लाई करना ऑन द राइट हैंड साइड, टोटल रिमेनिंग केस कितने बचे अभी भी इसके अंदर, देयर आर रिमेनिंग 8 केसेस। नेक्स्ट वन केस 3 और केस 2 प्रिंट टैब, इसके करेस्पॉन्डिंग मैसेज क्या डिस्प्ले कराएंगे 2 देन स्पेस, देन फाइनली ब्रेक स्टेटमेंट फॉर टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच, इस ब्रेक से ओनली स्विच का एग्जीक्यूशन होगा ना कि लूप का एग्जीक्यूशन,
then case 3 starts to again get speaker alarm message 3 break. Case 4 ke according message speaker alarm as a 4 by using printf then break. Similarly case 5, case 6, case 7 and case 8. Finally last case 9. Similarly last case में get speaker alarm is सारे remaining corresponding message print करने वाले. Similarly last case में get display हुआ printf s9 then break. इस केस में default case supply करने need नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई digit supply हो, digit हमेशा always क्या हो between 0 to 9, means invalid digit pass होने chances ही नहीं है. Finally closing body of स्विच स्टेटमेंट, और स्विच के लास्ट स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट सप्लाई करने की लॉजिकली कोई नीड नहीं है. अगर आप प्रोवाइड भी करोगे इस केस में कोई भी एरर मैसेज नहीं हुआ. देन फर्स्ट टाइम रिवर्स का वैल्यू ऑलरेडी क्या था 3 2 1, फर्स्ट टाइम इसे रिट्रीव क्या हो रहा है 1 1 पास हुआ, 1 किससे मैच हो जाएगा केस 1 से, इसलिए आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ इन दैट केस 1. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद कर्सर फिर से कर जाएगा लूप, लूप पर कंट्रोल लूप के अंदर आने से जस्ट पहले परफॉर्म क्या कराना है रिमूविंग दिस लास्ट डिजिट, देन नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर क्या पास होगा 2. दोस्तों लास्ट डिजिट को रिट्रीव कर रिमूव कराने के लिए यूज क्या करेंगे रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स डिवाइडेड बाई 10 देन क्लोजिंग बॉडी ऑफ लूप. दिस वन इज क्लोजिंग ऑफ स्विच, दिस वन इज क्लोजिंग ऑफ लूप. नेक्स्ट वन, वन मोर टाइम्स क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शंस, क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शंस. नेक्स्ट टाइम क्या पास हुआ इस केस में, मीन्स जैसे इस केस में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 ही अगेन नॉन जीरो, देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू. लेकिन इस केस में क्या पास होगा नेक्स्ट टाइम 32 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 2, इसलिए स्विच के केसेस में सप्लाई क्या होगा 2, और 2 किस केस से मैच होगा केस 2 से, इसके अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा एज अ मैसेज एज 2. नेक्स्ट अगेन रिवर्स 10 से डिवाइड हुआ तो रिवर्स की न्यू वैल्यू क्या होगी ओनली 3 अगेन नॉन जीरो नंबर है कंडीशन ट्रू है देन फिर से 3 का 10 से डिवीजन होगा रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में अगेन 3. नेक्स्ट टाइम 3 पास हुआ 3 किससे मैच होगा केस 3 से, केस 3 के अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा एज अ 3. देन ब्रेक स्टेटमेंट 3, उसके बाद कंट्रोल जब लूप से बाहर आएगा सॉरी स्विच से बाहर आएगा परफॉर्म क्या होगा रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स डिवाइडेड बाय 10, 3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका डिवीजन क्या आएगा 0. 0 के केस में कंडीशन व्हाइल कंडीशन फॉल्स हो जाए देन बाहर आए सिंपली ऑलरेडी मैसेज क्या डिस्प्ले हो चुका है 1 2 3. इस टाइप से नंबर से गिवन किसी भी नंबर को वर्ड्स के फॉर्म में डिस्प्ले कराना पॉसिबल है.